लोगों ने प्रसन्न किए कि जी ये योग निद्रा क्या होती है, क्या हम सोते हैं लेट करके जो राम राम रटते हैं, क्या यही योग निद्रा है क्या? योग निद्रा वो होती है, बड़ा सरल सा काम है, बहुत सरल काम है, लेकिन भजन बहुत लंबा होगा। जिस प्रकार से आप शाम को जो चिंता ले करके सोते हो, सुबह उसी विषय का चिंतन करते हुए वैसे ही सपने आएंगे, वैसे ही विचार आएंगे, सुबह वही चिंता ले करके उठोगे। कोई भी चिंता हो, मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी विचार हो, वही ले करके सोओगे, वही ले करके उठोगे। इसी कारण से जीव वही उसी झंझट में माया में फंसा रहता है। जागते में तो दौड़ ही रहे हो, स्वप्न में और एक अलग तरह की दौड़ शुरू हो जाती है, तो स्वप्न में भी भाग लेते हो, किसी के पीछे कोई जानवर लग लेता है, किसी के पीछे कोई, किसी को राक्षस दिखाई देते हैं, किसी को देवता, कोई भागता रहता है। खिलाड़ी रात में भी स्वप्न में भी प्रैक्टिस करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, देखो तो शरीर पसीना पसीना, और कहाँ है, वहीं चारपाई के ऊपर लेटे हुए हैं, हलचल कुछ हुई नहीं, भाग दौड़ पूरी। वही संसार का खेल है, वहाँ एक कदम भी नहीं उठाया जातम की तरफ, और आपने मान लिया हमने पूरी भाग दौड़ कर दी, और अब तो बस मेरा परमात्मा के ऊपर हक ही हो गया है, अब तो मेरा अधिकार ही हो गया, अब तो मुझे मिलना ही चाहिए। कि मैं तो इतने दिन से रट रहा, मैंने कहा आसन लगाया, तक नहीं जी आसन तो नहीं लगाया, मैंने कहा और क्या किया भाई, कि जी चलते फिरते हुए तो कुछ तो कर ही रहे हैं भाई, ये चलते फिरते हुए काम नहीं चलेगा, और इससे आप अपनी खोज नहीं कर पाओगे, अपने आप को नहीं जान पाओगे, अपनी पहचान नहीं हो पाएगी। भ्रम का जो ये पर्दा है ये नहीं हटेगा, जो ये भ्रम का की जो ग्रंथि है ये नहीं टूटेगी, भ्रम नहीं टूटेगा तो आप किस प्रकार से उस परमात्मा तक पहुँचोगे, किस प्रकार से आप खोज करोगे जब आपका आसन सिद्ध नहीं होगा। लेकिन हमने अलग ही तरीके की साधनाएं बना ली, अलग ही तरीके से साधना शुरू कर दी, अलग ही तरीके से सोचने लगे, अलग ही तरीके से काम शुरू कर दिए, अलग ही तरीके से नाम जपना शुरू कर दिया, अपना अपने मन के अनुसार साधना चल गई। फिर ये अपने मन के अनुसार साधना चलेगी तो वो परमात्मा नहीं मिलेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि जी कलयुग में परमात्मा मिल जाएंगे, बहुत बहुत से साधकों ने मुझसे ये प्रश्न किया, जो लोग वैराग्य में हैं उन्होंने भी, जिन्होंने वस्त्र धारण कर लिए उन्होंने भी, जो प्रयास में हैं उन्होंने भी, तो इसका प्रश्न का केवल एक ही जवाब है, परमात्मा कोई युग नहीं देखता, परमात्मा कोई समय नहीं देखता, परमात्मा आपकी साधना देखता है, परमात्मा आपका भाव देखता है, परमात्मा आपने जो क्रिया की है उसको देखता है। आप जब जागृत हो जाएंगे, लाइन में खड़े हुए दिखाई देंगे, जब आप गुरुमुख हो जाएंगे, काल तो आपके पायों में खड़ा दिखाई देगा, क्योंकि पांव के पास ही उसका स्थान होगा, चरणों में उसका स्थान होगा, हमारे नहीं, आप लोगों के, क्योंकि उनकी इतनी ताकत नहीं होती कि आप जब उस परमात्मा की ओर चलते हो, उसके मार्ग पर चलते हो, कि वो आपका रास्ता रोक सके। यमराज की इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपनी फाइल देख करके और आपके मार्ग को रोक दे। सब के सब देवता रास्ते में खड़े हो जाते हैं, रास्ता दे देते हैं,
कि उस तरफ जाओ, क्योंकि उन्हें पता है इसके पास कहाँ का स्थान है, कहाँ का टिकट लिए हुए है, वो इसी कारण से रास्ता दे देते हैं। जब आप इन चीज़ों को समझने लगोगे, जब आप साधना को समझने लगोगे, जब आप नाम का महत्व समझने लगोगे, आसन और भोजन का महत्व समझने लगोगे, एक एक चीज़ में गहराई से उतरने लगोगे, मन जो आपका, ये मन इतना मजबूत नहीं होता कि मन भागने लगता है, मन दौड़ने लगता है। जब आप सांस के ऊपर पकड़ करोगे, सांस के साथ साधना करोगे, सांस को अंदर तक ले करके जाओगे, नाभि तक छुओगे, तो फिर आपका मन चाहोगे वैसे ही चलेगा, जैसे आप सोचोगे वैसे ही करेगा, क्योंकि मन की इतनी औकात नहीं होती। तो जब आप सोते हो, सोने से पहले अपने मन को पकड़ में करके साधना करते हुए, आसन लगाते हुए भजन अभ्यास करें, और उस अभ्यास को इतनी ऊंची स्थिति तक ले जाएं कि आप निर्विचार हो जाएं। निर्विचार का अर्थ है नाम भी पीछे रह जाए, तो आप उस योग में स्थित हो जाएं। उस योग में स्थित होने के बाद जब आप बैठो, बैठ करके निंद्रा निकल जाए या लेट करके निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर लेटो बैठो, लेकिन अंदर में ये विचार उत्पन्न नहीं होना चाहिए मुझे लेटना है, बैठना है, सोना है, विचार नहीं। सब विचार समाप्त करके आप ध्यान में चले जाओगे, और उसी ध्यान के अंदर जब आप सुबह जागोगे तो आपका योग लगा हुआ मिलेगा, आपकी साधना होती हुई मिलेगी। नाम जप कर रहे हो तो नाम जप, उठोगे तो नाम जप होता मिलेगा। अगर निर्विचार हो तो निर्विचार मिलोगे, आपके शरीर के ऊपर इतना प्रभाव हो जाएगा, आपको स्वयं दिखने लगेगा। मन कितना भी भागे, मन कितना भी दौड़े, एक पल एक इंच भी इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि मन का जो खेल है वो बड़ा नहीं है। बस हमने इसको बड़ा मान लिया कि ये बहुत बड़ी ताकत है और ये हमारे काबू में नहीं आएगा, हम कैसे काबू करें, कैसे इसके ऊपर पकड़ बनाएं। लेकिन जब आप साधना करोगे, मन कुछ भी चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मन की तो राख हो जाएगी। मन को इतना बड़ा मत मानो कि ये काबू में नहीं आएगा, लेकिन ये काबू में तब तक नहीं आएगा जब तक आप बताए अनुसार साधना नहीं करोगे, विधि के द्वारा साधना नहीं करोगे, सांसों के द्वारा साधना नहीं करोगे, फिर आपको ये मन दबाता चला जाएगा, आपको रोकता चला जाएगा, आपको अधीन करके रखेगा, आपके ऊपर पकड़ बना करके रखेगा। लेकिन अगर आप सांसारिक चीज़ों के अंदर फंसे रहे, जो इस प्रकार से लोग इतने गहरे फंस गए हैं कि छोटा सा उनसे कोई पद ले लिया जाए छटपटाने लगते हैं, पद दे दिया जाए बड़े खुश हो जाते हैं। क्या सांसारिक पदों का लेन देन ही जीवन है? क्या यही खुशी और दुख का कारण है? क्या संसार में ही हम बड़े छोटे होते हैं? क्या इन चीज़ों से इस आत्मा को कोई ताल्लुक है? क्या बाहरी वस्तुओं का जो आप सोच रहे, जो देख रहे, जो पूजा पाठ कर रहे, इस आत्मा का कोई ताल्लुक है? जब आपका इस शरीर का आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इन बाहरी वस्तुओं का किस प्रकार से ताल्लुक हो सकता है? लेकिन हम इन बाहरी वस्तुओं से इतना गहरे से चिपक गए हैं कि छोड़ नहीं पा रहे। तो आप साधना की सबसे ज़रूरी आवश्यकता है।